पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है, इसके बारे में आज डिटेल्स के साथ हम बात करेंगे। रिटेलर आईडी से होता है या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से होता है, इस तरह आदमी ने कमेंट करते रहता है या फिर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज करते रहता है कि आद्या पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग कैसे करें सर, ये हमको नहीं आता। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो सबसे अहित कुमार यादव और मेरा चैनल में स्वागत है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर हम आगे बढ़ते हैं। बता दें कि रिटेलर आईडी से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं, किससे करते हैं, तो चलिए आईडी को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर में चले आते हैं, यहाँ पे हम एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद आद्या पेमेंट बैंक यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। IUIDA आद्या पेमेंट बैंक लॉगिन, यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो आद्या पेमेंट बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल वर्जन में है तो आपको डेस्कटॉप वर्जन में करना है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप ये APS सर्विस के लिए आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप APS सर्विस के लिए काम कर सकते हैं। तो आपको अकाउंट ओपनिंग होता कहाँ है तो ऐसे आप अगर समझाएंगे 1-2-3 करके तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, उतना हम सर्विस को मतलब ज़्यादा ना समझाते हुए शॉर्टकट में मारते हैं इसमें। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें अकाउंट ओपनिंग करने के बारे में पूरा आपको डिटेल्स बताएंगे, कहाँ का कैसे फॉर्म भरना चाहिए, कैसे क्या फिलअप करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना मेंबर है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा है सर्विस लिंक। सर्विस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आई सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग, आधार अपडेट, वोटर पोर्टल सर्विस प्लस ई पेन, ऑनलाइन मेडिसिन, क्रेडिट कार्ड, बजाज EMI, इतना सारा इसमें सर्विस अभी आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ये सब सर्विस आप लोग बोलते हैं क्या ये झूठ है, क्या ये झूठ है, तो दोस्तों ये झूठ नहीं है, ये सच है, आप लोग के लिए सच है। आधार अपडेट भी सच है, वोटर पोर्टल भी ये सच है। तो यहाँ पे जितना सारा यहाँ पे आपको सर्विस दिख रहा है सर्विस लिंक में, तो ये सारा सच है दोस्तों, सच है सच है। तो चलिए आई सर्विस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक सर्विस आपको आज दिखाएंगे, दूसरा सर्विस फिर दिखाएंगे, ऐसा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा मेरा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आई सर्विस जो है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग को बता दें कि जैसे आप रिटेलर आईडी लीजिएगा तो आपको दो आईडी मिलेगा, दो आईडी, एक APS के लिए आईडी मिलेगा, एक अकाउंट ओपनिंग के लिए आईडी मिलेगा। तो ये आईडी में आपको क्या करना होगा, यहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन, जो लॉगिन नाउ लिखा है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। देन जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोग के सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपना फिर से हम डेस्कटॉप साइट मोड पर इनेबल कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आप डेस्कटॉप साइट मोड में इनेबल कर लीजिएगा तो कुछ आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें कि दोस्तों सबसे पहले आपको रिटेलर आईडी लेना है। रिटेलर आईडी लीजिएगा, रिटेलर आईडी के साथ में एक आपको एक APS सर्विस के लिए आईडी मिल जाएगा, एक अकाउंट ओपनिंग के लिए आईडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट डाउनलोडिंग जो लिखा है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे अपना इतना सारा मतलब सब कुछ आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आई सर्विस रजिस्टर यूजर जो लिखा है इसके ऊपर से आपको क्या करना है, रिटेलर जो है दो आईडी आपको क्रिएट करना है। रिटेलर का जो भी आईडी क्रिएट कीजिएगा, एक APS सर्विस, एक आई सर्विस के लिए। तो आई सर्विस के लिए यहाँ पे रिटेलर क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका आईडी जो रहा है वो आ जाएगा। यहाँ पे नाम डालना, फादर नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, आधार नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो यूजर एंड पासवर्ड कौन सा डालना है आपको दोस्तों, आपको बता दें कि यूजर आईडी जो APS सर्विस लिए हैं उसको अप्रूव जो हो गया है उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर यहाँ पे रजिस्टर करना है दोस्तों, सेम वही आईडी और पासवर्ड रहेगा इसमें भी दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे ले लीजिएगा तो आपको एक्टिवेट करना है दोस्तों आई सर्विस को, 24 से 72 घंटा लगता है इसमें मतलब आईडी एक्टिवेट होने में दोस्तों। से इस आईडी को आप एक्टिवेट हो जाएगा आपका तो अपना आप खुद से अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, आधार अपडेट कर सकते हैं, सारा काम यहां से आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सब आईडी लेने के बाद जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो अब अकाउंट ओपनिंग सब कुछ कर सकते हैं आसानी से घर बैठे। डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट करके या फिर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि आदिया पेमेंट बैंक में दो आईडी देता है, जिसके पास भी आप आईडी लीजिएगा तो एक एपीएस के लिए दिया जाता है, एक अकाउंट ओपनिंग के लिए दिया जाता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए जो दिया जाता है उसमें बहुत सारा सर्विस अवेलेबल रहता है, तो दोनों आईडी आपको लेना होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने मजा आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो लिया आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। माता मतलब दोस्तों टेक केयर।